यस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 साइन वर्स एक्स की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां जब भी कंडीशन दी हो याद रखिएगा, साइन वर्स एक्स का क्वेश्चन कभी भी आए तो -π/2 से +π/2 आंसर होना चाहिए गिवन लिमिट में। कॉस का कभी भी आए तो 0 से π होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझें तो इसको करने का सिंपल, फर्स्ट और सेकेंड को प्रूव करने का एक ही तरीका है, अप्रोच सिंपल है। साइन इनवर्स 3x - 4x³, आप ले लीजिए RHS साइड और x इक्वल टू ले लीजिए साइन ए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3sin A - 4sin³ A, एंड दिस इज साइन इनवर्स साइन 3A। ये मिला आपको 3 × A, ए की वैल्यू डाल दी 3 sin inverse x। अब देख लीजिए एक बार कि -π/2 से +π/2 है नहीं, ये कैसे पता चलेगा। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू होती है -π/6। इंटू 3 करेंगे तो π/2, इंटू 3 करेंगे तो -π/2, यानी गिवन रेंज में वो दिया, इसलिए होता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में x के प्लेस पर आप cos थीटा या cos a ले लीजिए तो प्रूफ हो जाएगा, राइट। फर्स्ट सेकंड नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, इनका एक एग्जाम्पल भी किया था, फिर भी मैं आपको फोर्थ बता देता हूँ। फोर्थ थोड़ा और लंबा है, इसमें 2 tan inverse V x है, तो फोर्थ कर लेंगे तो थर्ड अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले इसमें 2 tan inverse x का फॉर्मूला लगाइए, सारा कंसेप्ट डिपेंड करता है फॉर्मूले कितने आने। tan inverse 2x / 1 - x² एंड tan inverse x + tan inverse y। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं तो 2 tan inverse x का फॉर्मूला लगाया तो tan inverse 2x / 1 - x² +tan inverse 1/7, राइट। ये कैंसिल हो गया तो टेन इनवर्स ये मिला 4/3, एलसीएम लेंगे तो +tan inverse 1/7। अब यूज करिए x एंड y, तो tan inverse x + tan inverse y, tan inverse x + y / 1 - xy, राइट। तो कितना होगा, tan inverse 28 + 3 = 31। देखिए 31 ही प्रूफ करना है, यहां पर 21 - 4 = 17, तो ये प्रूफ हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी प्रूफ करेंगे, नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, 6, 7, 8 लिखे हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जब सबसे पहले अगर फिफ्थ की बात करें तो देखिए 1 + x² है, प्लस हो तो tan थीटा, x² - 1 हो तो sec थीटा, इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में भी करे थे। पहले फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए आपको x की जगह पे tan थीटा पुट करना है, तो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स 1 + tan²θ, थोड़ी मैं स्टेप कम लिखता हूं, आप लोग अगर सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेप्स बढ़ा लें, राइट। 1 + tan²θ, और देखिए सारे कंसेप्ट फॉर्मूले पे ही डिपेंड करते हैं, sec θ - 1 / tan θ, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूं तो 1 - cos θ / sin θ, हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो ये होगा tan inverse 2 sin²θ/2, ये भी हाफ एंगल 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल, tan inverse sin से 1 sin कैंसिल, तो tan θ/2। नेक्स्ट इज θ/2 एंड थीटा की वैल्यू रख दी तो 1/2 tan inverse x, राइट। 1/2 tan inverse x, x नॉट जीरो है, tan inverse x की रेंज हमें पता है -π/2 से +π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर टू आपसे हो जाएगा, इसमें पुट करना है x की जगह sec थीटा, ये आप करेंगे, एक एग्जांपल भी इस तरह का करवाया था, राइट। 7 और 8 देखते हैं, 7, 8 बहुत सिंपल है, बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस्ड, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है tan inverse 1 - cos x / 1 + cos x, ये होगा tan इनवर्स, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं तो 2 sin²x / 2 2 cos²x / 2, देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 2 2 कैंसिल, ये मिला tan x/2 एंड दिस इज इक्वल टू x/2, राइट। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो देखिए 8 क्वेश्चन में ये इसको डायरेक्टली tan π/4 - x लिख सकते हैं, पर मैं समझा देता हूं कैसे। तो अगर मैं cos का डिवाइड कर दूं तो ये होगा 1 - tan x / 1 +
tan x and this equal to tan inverse tan pi by 4 minus x and this equal to pi by 4 minus x. Right? Note down. Yes. क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th देखते हैं, वही सेम पैटर्न पे x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए अगर हम 9th को देखें तो क्वेश्चन 9th बिल्कुल सिंपल है. x के प्लेस पे ले लीजिए a साइन थीटा. स्टेप्स थोड़े आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अंडर रूट, समझाने के लिए लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए से कैंसिल और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिस इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा देन दिस इक्वल टू थीटा. राइट? एंड थीटा की वैल्यू रख दू तो साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म. ये भी बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टी बेस्ड फॉर्मूला है. इसमें आप करिए ये कि 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ax स्क्वायर. राइट? सबसे पहला काम ए क्यूब का डिवाइड कर दीजिए इसमें. क्यों करता हूं बता रहा हूं, 3 tan inverse का फॉर्मूला है तो 3 ए क्यूब का किया तो 3 एक्स बाय ए माइनस एक्स बाय ए का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 ए सॉरी एक्स बाय ए का स्क्वायर. इस पूरे को एक सिंगल टर्म माने तो ये 3 tan inverse x का फॉर्मूला हो गया. तो 3 tan inverse x बाय ए. बाकी अगर क्वेश्चन मेथड से कर रहे होते तो आप x बाय ए को tan थीटा लिख लेते तो ये प्रूफ हो जाता. राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13. क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सिंपल क्वेश्चन है. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 11. आप लोग भी कल सबसे पहले साइन इनवर्स 1 बाय 2 की वैल्यू रखते हैं हम. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इंटू 2 cos इनवर्स 2 साइन 1 बाय 2 की वैल्यू इज पाई बाई 6. राइट? अब इससे क्या हुआ आप समझिएगा, ये हो गया tan इनवर्स 2 cos इनवर्स पाई बाई 3. बल्कि इसको ऐसा मत करिए आप, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अगर मैं वैल्यू ऐसे रख दूंगा तो नहीं हो पाएगा. तो क्या करें, इसका एक तरीका और बताता हूं. आप 2 cos इनवर्स 2 cos सॉरी 2 cos वैसा भी कर सकते हैं, 2 cos 2 इंटू यहां पर आ गया पाई बाई 6. राइट? मैंने वहां इनवर्स गलत लिख दिया था इसलिए चेंज किया था एकदम. अब देखिए tan इनवर्स 2 cos दिस इज पाई बाई 3. cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी, देन अगेन 2 इंटू 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये मिला tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4. बाय मिस्टेक इनवर्स लिख दिया था इसलिए वो चेंज कर रहा था, अभी जरूरत नहीं है. वही जो हम कर रहे थे वैसा ही करिए. नोट डाउन. अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12. इसमें tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a लिखा है तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, दिस इज पाई बाई 2. राइट? एंड cot पाई बाई 2 इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, कंडीशन इसलिए लिखी है कि इस लिमिट में है कि नहीं. ये हो गया 12. 13 देखिए, tan 1 बाय 2 दिस इज 2 tan इनवर्स x दिस इज 2 tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल तो ये मिला आपको कितना मिला, tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो आप अगेन फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड tan से tan इनवर्स कैंसिल तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. नोट डाउन. यस, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखते हैं. देखिए क्या है, 14 एंड 15 में x की वैल्यू बतानी है. क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं मैं बताता हूं. जैसे क्वेश्चन 14 को अगर मैं चाहूं साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 भी लिख सकता था. राइट? अब अगर मैं चाहूं तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 5. अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस y. याद हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे कितना कमांड है का सारे कंसेप्ट इसी पे डिपेंड करते हैं. बार बार यही बोलूंगा, माइनस है तो माइनस, तो ये हुआ 1 रूट 1 माइनस 1 बाय 25. डायरेक्ट लिखते हैं माइनस 1 बाय 5 रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर.
राइट right? तो एक तरह से ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, वो तो जीरो हो जाता, साइन इनवर्स हमको मिलता रूट ऑफ 24 बाय 5, या ऐसा भी बोल सकते थे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स राइट कितना आ जाता ये लिखा रहने दो अभी 24 बाय 25, इसको भी कॉस में चेंज कर लें तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 24 बाय 25 रूट को आप अगर ए मान लें तो ये समझिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 625 माइनस 576 ये 49, तो ये 7 आ जाता है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स के टर्म में लिखता तो आप बोलते कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, अच्छा ये रूट के अंदर है ध्यान रखिएगा, ये रूट में है तो रूट में होने से चेंज हो जाएगा, ये 1 मिलेगा, 25 माइनस 24 तो 1 मिलता, तो कॉस इनवर्स 1 बाय 5, तो x की वैल्यू आ जाती 1 बाय 5, राइट नोट डाउन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या करेंगे, सिंपल है, टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाएं, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 दिस इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखिए ये 10 डायरेक्टली चला जाएगा, 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, यहां एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 जो इसके एलसीएम से कैंसिल होगा बाद में, एक स्टेप कम लिख रहा हूं, ये होगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 दिस इक्वल टू 1, क्योंकि 10 पाई बाय 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 यहां पे मिलेगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 राइट इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये मिला माइनस 3, देखिए यहां पर हुआ 2x स्क्वायर एक्स एक्स कैंसिल माइनस 4 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 राइट माइनस ऑफ 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 नोट डाउन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहां पर 10 वर्स x है, ये y है, पाई बाई 4 है, आपने 10 वर्स x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई किया, 10 ट्रांसफर हुआ, 10 पाई बाई 4 1 मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ये इक्वेशन बनी, अब यहां पर 1 बाय रूट 2 भी स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस भी हम लिख सकते हैं राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 17 18 ये थ्योरी में भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका वैल्यू बताना, जैसे ये है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, 99% लोग 2 पाई बाय 3 लिख देंगे, दिस इज द रॉन्ग आंसर, व्हाई रॉन्ग आंसर, बिकॉज समझिए यहां पर हमें साइन इनवर्स एक्स का रेंज ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला भी था फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स जो है वो होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले से चेंज करूंगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, देखिए दिस इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा साइन पाई बाय 3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या मिला रिजल्ट पाई बाय 3, तो याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन इनवर्स का कर रहा हो रेंज से आउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर 17 टेन इनवर्स 3 पाई बाय 4 ना लिख दें, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन ये मिलेगा, दिस इज द रॉन्ग, क्या करेंगे तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बाय 4, पहले तो देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, यस अब 10 180 माइनस ये पूरा रिजल्ट आ गया 3 पाई बाय 4, 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा तो माइनस 10 पाई बाय 4 एंड 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा, छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान रखना, 10 इनवर्स माइनस थीटा माइनस 10 इनवर्स थीटा, तो ये हुआ माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 एंड दिस इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 4 राइट नोट डाउन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तो काफी सिंपल है, ये 10 है ये साइन है ये कॉट है, सबको 10 में बना लो, सबसे अच्छा है कि सबको 10 में बना लो, तो 18 में क्या करेंगे आप, देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप मेंटली करना चाहें तो कर सकते हैं, 10
थ्री बाय फाइव ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटन्यूज है तो इसका मतलब टेन इनवर्स थ्री बाय फोर प्लस टेन इनवर्स टू बाय थ्री राइट एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगा दें तो अगली स्टेप में हम टेन से कैंसिल कर देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई राइट क्या हो जाएगा देखिए टेन से टेन इनवर्स गया नाइन प्लस एट बाय ट्वेल्व ये चाहो तो कैंसिल कर दो थ्री टाइम ये टू टाइम तो वन माइनस वन बाय टू वन बाय टू राइट वन बाय टू तो ये सिक्स टाइम कैंसिल हो जाएगा तो सेवनटीन बाय सिक्स इज अ राइट आंसर क्लियर है नोट करिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19, 20, 21 यही है 2.2 में और ये ऑल थ्री ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन नहीं लिखे सिंपल देखिए जैसे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 याद रखिएगा याद एक ही बात रखनी है कि आंसर आउट नहीं होना चाहिए रेंज से अब हमको पता है कॉस इनवर्स एक्स का आंसर होता है 0 से पाई इसका मतलब आप पहले से लिखे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 देखिए दिस इक्वल टू 7 पाई बाई 6 अब कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा एंड दिस इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6 बाय मिस्टेक 7 पाई बाई 6 नहीं लिखना है यहां पर भी देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है साइन इनटू पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 6 ये माइनस पाई बाई 6 मिलेगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा अब ये हो गया पाई बाई 2 देन 1 यहां पर देखिए टेन इनवर्स रूट 3 दिया हुआ है तो टेन इनवर्स रूट 3 इज पाई बाई 3 ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 मीन्स पाई बाई 6 राइट तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 ये हो गया पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2 इज द आंसर नोट डाउन